शर्मा, मेरा नाम मीरा शर्मा है। मीरा शर्मा जी, मीरा शर्मा जी, आप कब से आ रही है, कितने दिन हो गए? मैं यहाँ 98 से आ रही हूँ। 98 से? हाँ जी, 97 मेरी शादी हुई थी, मैं 98 से। मेरी सासू माँ ये है, हमारी सासू माँ छठ मनाती है, हम यहाँ 98 से, जब से हमारी शादी हुई तब से हम आज 20 साल से आ रहे हैं। आप लोग ये छठ क्यों मनाते हैं? हम लोग इसीलिए मनाते हैं, हमारे ससुर चला आ रहा है। हम लोग इस त्यौहार को कार्तिक महीने में मनाया जाता है, इसमें बहुत सफाई से हम लोग काम करते हैं, सफाई से काम चूर करते हैं, इसीलिए हम लोग छठ धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग मतलब क्या इसका मनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों मनाते हैं इस त्यौहार को? क्यों मनाते हैं, हम लोग का यह त्यौहार है, इसीलिए हम लोग मनाना चाहते हैं। तो ये जो अब आपकी सासू माता जी छठ का व्रत रखती थी, क्या आप भी व्रत रखती हैं? हाँ, जब हमारी सासू माँ भी कर रही है, फिर उनके बाद फिर मैं करूँगी। हमारा ये सिलसिला शुरू से अंत तक चलता ही रहेगा। आप सासू माँ से जबरदस्त छीन लेंगी? नहीं, हमारी सासू माँ जब उनकी शक्ति है, जब तक वो करेंगे, फिर मैं वो देंगे। खुशी से हमें देना है तो वो देंगे, मेरी खुशी से देंगे वो। कितनी है सासू माँ की बहुएं? हम बस एक बहू है। एक बहू है? हाँ जी। इसलिए आप लड़ झगड़ कर सब कुछ आता ही है? नहीं, सब तो उन्हीं का है, मेरा नहीं है, बस सब उन्हीं का, उनके चरणों में मेरी सेवा करना है, बस चरणों में सेवा है। आजकल की बहुएं तो पैर नहीं छूती हैं, खाना नहीं बनाती हैं। नहीं, मैं सब काम करती हूँ। अब ऐसा आप सवाल करेंगे तो ऐसा तो पीढ़ी, आज हम कर रहे हैं हमारे साथ भी होगा, कल के हम भी सास बनेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी होना है ये सब। तो आप बढ़ती हैं? नहीं, हमारी सासू माँ बढ़ती है, हम उनका सेवा करके देते हैं, पूजा पाठ उनका, खाना त्यौहार करना, वो फल फूल सजाना, ये सब हम करके उनकी देते हैं।